हमारे गुरु घर को हमें नतमस्तक होने के लिए हमें कोई फीस ना लगती, ये एक तरह से मैं समझती हूँ कि एक टैक्स लगाया जा रहा है और हमारी आस्था के ऊपर एक कीमत लगाई जा रही है जिससे दुख होता है। कौम दे कतलेआम करन दा भी इन्हां दा इतिहास है ते 550 साला च भी ये एकता दा संदेह, भाईचारिक सांझ दा संदेह, गुरु साहब दा सुनेहा दुनिया भर च जिहड़ा महकना चाहिदा है उस महक च भी ये विघन पाउण दी कोशिश कर रहे ने। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 550 साला समागम ते वक्री स्टेज लगाए जान ते एक बार फिर पंजाब सरकार नूं खरियां खरियां सुनाईयां। श्री दरबार साहब नतमस्तक होने पहुंचे बीबा हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब सरकार अपने काम भुल के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कामों च अड़िका पाउण च लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों लगाई गई लांघे की $20 की फीस भी पंजाब सरकार नूं ही भरनी चाहिए है। खुशी है कि गुरु नानक देव जी के नाम पे यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, लेकिन इससे और भी ज्यादा खुशी होती जो $20 का उन्होंने फीस लगाया है, जो दुनिया में शायद पहली बारी किसी श्रद्धालु को अपने गुरु के घर में नतमस्तक होने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और वो सिख कौम में ऐसी कहीं भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे दुख ज़रूर होता है क्योंकि जो हमारे गरीब हैं, जो मजदूर हैं, दिहाड़ी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, 1500 रुपये उनको कहाँ पे अपने परिवार के चार जी ले जाने के लिए आने जाने का खर्चा 6-7 हज़ार रुपये, इसका मतलब वो कभी अपने गुरु के इस स्थान पे, पावन स्थान पे नतमस्तक नहीं हो पाएंगे। सो जहाँ मैं इमरान खान जी का शुक्राना करती हूँ कि यूनिवर्सिटी रखी है, उम्मीद करती हूँ अच्छी यूनिवर्सिटी बने, लेकिन सिख कौम की खुशी तो इसमें होती जे हमारे गुरु घर को हमें नतमस्तक होने के लिए हमें कोई फीस ना लगती, ये एक तरह से मैं समझती हूँ कि एक टैक्स लगाया जा रहा है और हमारी आस्था के ऊपर एक कीमत लगाई जा रही है जिससे दुख होता है। बाल साहब ने मांग की थी कि फीस पंजाब सरकार पर है। बिल्कुल भरनी चाहिए, मैं आप ये मांग रखी है, कैप्टन साहब नू भी रखी है कि बादल साहब मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चलाते सिगे जिदे नाल हर धर्म नू अपने धार्मिक स्थान नाल जोड़न वास्ते ट्रेना भर के हजूर साहब दर्शन, बसा भर के किसी नू वैष्णो देवी, किसी नू अजमेर शरीफ, जिथे जिथे जिदी आस्था सी मुख्यमंत्री बादल साहब होण दे समय अपने खजाने विचों, सूबे दे खजाने विचों लोकां नू अपने धार्मिक स्थानां च गरीबां नू दर्शन दीदार कराउंदे सी। ते हुण जे दिल्ली दी सरकार ने, केजरीवाल ने ऐलान करता है कि वो दिल्ली दी संगता वास्ते वो $20 भरनगे, ते बिल्कुल कैप्टन साहब जिन्हां ने बादल साहब दा चलाया होए मुख्यमंत्री योजना तीर्थ योजना बंद करती, तो घट तो घट $20 तो भरन। ते पाकिस्तान सरकार ने तो यूनिवर्सिटी नहीं पत्थर रखता, साडी सरकार भी कुछ ऐसा करूगी। हाँ जी, बड़ी दुख दी गल हैगी कि जब 500 साला गुरु साहब दे शताब्दी हुई सी उस टाइम श्रोमणी अकाली दल दी सरकार जब इत्थे सीगी ते बड़े धूमधाम दे नाल बठिंडा जे जिहड़ा थर्मल प्लांट कैप्टन साहब ने बंद करता, गुरु नानक देव थर्मल प्लांट भी उस टाइम नींह पत्थर रखा गया, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जे उहदी नींह पत्थर भी उस टाइम, तकरीबन 46 कॉलेजेस ते यूनिवर्सिटीज़ खोली गई 500 साला चे श्रोमणी अकाली दल की सरकार वालों 500 साल, लेकिन हुण 550 साल आ रहा है तो जिहड़े सरकार का काम होंदी हुण इमरान खान तक पाकिस्तान चे यूनिवर्सिटी खोल रहे, लेकिन साढ़े पंजाब सरकार नूं सिर्फ इको ही चीज़ हैगी कि एस जी पी सी का काम किमें असी लईए, तो जिहड़ा उन्हां दा काम होंदा है भी तुसी गुरु नानक साहब दे नाँ ते कोई हस्पताल खोलो, सुल्तानपुर लोधी च वड्डा हस्पताल बनाओ गुरु साहब दे नाँ दा बनाओ, कोई वड्डी यूनिवर्सिटी उस इलाके च बनाओ, डेरा बाबा नानक च करो। आज जिहड़े विकास के काम हो रहे केंद्र की सरकार कर रही है, पंजाब सरकारों वालों एक डक्का नहीं, सिर्फ केंद्र की सरकार के कामों के सामने फोटो खिंचन का ते एस जी पी सी की स्टेज खोल का। प्रधानमंत्री जी उसनों हरी झंडी देंगे, केंद्र की सरकार का प्रोग्राम हो रहा 9 तरीक न, उस सरकार चे प्रधानमंत्री जी आएंगे, 550 साल का पहला जथा उन्हें फ्लैग ऑफ करेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा की कृपा हो, मालिक का सदा हो जरूर। इन्ना ही नहीं, पंजाब सरकार वालों वक्रे वक्रे तौर पर लगाई जाने वाली स्टेज से बोलदे हरसिमरत बादल ने कहा कि सरकार श्री अकाल तख्त साहब की हुक्म दयालू करके वक्री स्टेज लगा रही है, इसलिए सरकार को शर्म आनी चाहिए है। इसी तरह मैं यही बेनती करांगी कि आज लोड़ है कि सारी कौम एक हो, जिवे सारे अड अड लोग एक होकर जथे च पहले जथे च जाएंगे, उसी तरह
ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਏ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਡ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਰ ਮੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਸਟੇਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਢੇਟੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਹ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਦੇਹ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਹਿਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ। ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ।